हेलो भैया ऐसे मेरे ब्लॉग में ऐसे भैया बना रहे हैं नहीं तो भैया आज क्या बना के खिला रहे हो आप हमें? आलू जीरा। तो उसके लिए आपने क्या तैयारी करी है पहले? आलू छील रहे हैं। आलू मतलब आपने बॉईल करे हैं या वैसे ही छील रहे हो? बॉईल कर लिए। ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? ये तेल फ्राई हो रहा है। अच्छा, और राजमा बना दिया है भाई ने। नहीं, छोले 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 बना दिए हैं। गाइस ये टेक्निक देखो आलू छीलने की, कितने अच्छे तरीके से छीले जा रहे हैं। और भैया ने पहले ये बॉयल कर लिए थे आलू, और ऐसा आलू जीरा हमने कभी नहीं खाया। आपने खाया हो तो बता देना इस तरीके से जैसे भैया बनाएंगे इस तरीके से। भैया ने इनको थोड़ा बड़ा बड़ा काट लिया, मीडियम काटा है ना। कितने आलू हैं भैया ये? चार आलू। सो दूसरी प्लेट में क्या लिया आपने? एक टमाटर, बस यही डलेगा इसमें, एक टमाटर और हरी मिर्च। सोनिया ये गाइस ये लड़की 2 दिन से खा रही है और इसे अब तक ये नहीं पता चला कि इसमें डल क्या क्या रहा है। मुझे क्या पता, सुबह एक प्याज भी आया था इसमें। भैया आप रेसिपी बताओ हमें बोल के जोर से। गाइस ये जो हमारे कुक हैं थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, बट इनकी जगह मैं बोल दूंगी। ये गरम गरम तेल में धीरे से आलू डालेंगे और हम थोड़ा दूर खड़े होकर वीडियो बना रहे हैं ताकि हमें छींटे ना लगे। ये देखिए आलू हमारे बॉयल होना स्टार्ट हो गए हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहा है कृपया इतनी हाई फ्लेम गैस पे अपने घर पे मत बनाएं, ये सिर्फ मास्टर शेफ लोग बना सकते हैं। बिल्कुल नहीं तो आलू जल जाएंगे। और सोनिया प्लीज तू ऐसा एक्सपेरिमेंट मत करना। भैया ने दूसरा इंग्रेडिएंट ले लिया है इसमें, देखते हैं क्या है। गाइज आलू थोड़ा थोड़ा गोल्डन ब्राउन मुझे तेल में से ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि जो ये तेल था वो हाई फ्लेम पे उबल रहा था। देखो गाइस हाई फ्लेम पे जल नहीं जाएगा? नहीं, इसे कंटिन्यूअसली चलाएंगे भैया। अच्छा चलो आ जाओ इस साइड, भैया ने अपना दूसरा इंग्रेडिएंट निकाल लिया है। और इन्होंने हमें बताया था कि इस रेसिपी में मेन जो मैजिक तड़का होता है वो इस लहसुन का होता है, इसमें बहुत सारा लहसुन डलता है ना भैया? भैया बोल क्यों नहीं रहे? भैया थोड़ा सा शर्मा रहे हैं, कोई नहीं जब हम नेक्स्ट बार ही आएंगे। कितने साल का एक्सपीरियंस है ये बताइए? 10 साल हो गए भैया को कुकिंग लाइन में, और वास्तव में ही बहुत अच्छा है। मैंने पहली बार खाया इतना स्वाद खाना है ना पहाड़ों में आके। हाँ सच में। अच्छा इतना सारा इसमें डलेगा पूरा लहसुन? हाँ कल खाया था हमने, देखा नहीं था कितना फ्लेवर आया था लहसुन का। हाँ और गाइस ये दूसरी जगह मेरे ख्याल से हमने बॉइल्ड राइस का ऑर्डर दिया हुआ है, तो ये राइस बॉइल हो रहे हैं इंडक्शन पे। अच्छा वो, और ये हमारा चना मसाला, ये सफेद चने हैं मतलब छोले, ये रेडी हो गए हैं, ये हमारे लिए बने हैं स्पेशली। ओ भैया के पास इसकी भी कोई टेक्निक है क्या जल्दी छील लेगी? गौर से मैं पास से दिखाती हूँ आप लोगों को कैसे छीले जा रहे हैं ये। बाकी लुगाइयां कमेंट करके जरूर बताना कि आप इन भैया से जल्दी छील सकते हो क्या। नहीं भैया जल्दी छील रहे पता नहीं कैसे, है ना। एक हाँ। बार में पूरा सोनिया में पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ सीख के जाएं, बट मुझे लग नहीं रहा ऐसा कुछ होगा। और गाइस यहाँ हमारे असिस्टेंट को देखते हैं, इन भैया की हाइट मेरी तरह थोड़ी छोटी है तो इन्होंने इस पाटे का इंतजाम किया है अपने लिए। हो गए क्या आलू या टाइम लगेगा? टाइम लगेगा। अभी टाइम लगेगा। ओके और गाइस इस रसोई की सबसे अच्छी बात यह है कि सब कुछ साफ है, और हमने इतने अच्छे अच्छे होटल में खाना खाया है, लेकिन जो इन्होंने हाइजीन की जो व्यवस्था की है ना वो बहुत अच्छी है। देखो इन्होंने भी एप्रन पहना हुआ है और एक डिस्टेंस मेंटेन करके ये फ्राई कर रहे हैं, और जो हमारे शेफ हैं वो बिल्कुल अपने कोट में हैं और बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से खाना बना रहे हैं। सोनिया तू और मैं तो इतने नीट एंड क्लीन तरीके से कभी नहीं बना सकते। नहीं इनकी मसालदानी देख इतनी बड़ी है, देख फिर ये खाना ज्यादा बनाते हैं ना, हम तो बनाते नहीं इतनी बड़ी है। इतनी बड़ी क्या करेंगे। भैया ने चावल चेक कर लिए हैं, बीच में कहीं इनकी बातों में चावल ना ज्यादा पक जाएं। गाइस तो मैं दूर से दिखाती हूँ कि मल्टीटास्किंग हो रही है, जो मास्टर शेफ है वो लहसुन काट रहे हैं, जो असिस्टेंट है वो आलू फ्राई कर रहा है, और जो मेरा असिस्टेंट है वो वीडियो बना रहा है और डांस भी कर रहा है।
और इन्होंने ये छोटा सा हीटर लगाया हुआ है अपने किचन में। मुझे लग तो नहीं रहा है कोई गर्मी दे रहा होगा इन्हें, बट मेंटल सेटिस्फेक्शन जरूरी है। क्या शो के लिए लगाया है? भैया ने जवाब दे दिया है कि ये सिर्फ शो के लिए लगाया है और ये बिल्कुल सही है। इसमें एक रोड है, ये पता क्या करेगा, है ना? ये एट अ टाइम सिर्फ एक हाथ गर्म करेगा। और गाइज यहाँ पे इन्होंने लगे हाथ, देखो आटा भी इन्होंने अच्छे से पैक किया हुआ है और पेड़ियां बना दी है। भैया इसमें मैदा कितना यूज करते हो? आटा ही है यार। ये हिमाचल के जो गेहूं होते हैं ये अलग होते हैं क्या? क्योंकि हमारे हरियाणा में जो आटा होता है वो ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं हमारे भी चक्की का ही होता है रोटियों में। हाँ वैसे, हाँ जैसे नॉर्मली हमने खाई है। तो भैया ने इतना सारा लहसुन छील दिया है एक मिनट में, है ना? नहीं एक मिनट भी नहीं लगाई। देख अब आया औजार तो अब आया है। गाइस ये चक्कू देख के घबराना मत, और ये स्टंट प्लीज अपने घर पे मत तैयार करना कोई मोहित की तरह जोशीला आदमी हो। पर भैया ने स्टंट देख ले भैया का तू। वाह यार, या, मैं तो एक बार मैं आंगली कटवा लूं दीपिका इस पर दे। तो सोनिए तभी तो हम नहीं खा बनाते। वाह भाई वाह। बाकी सोनिया मोहित जिद भी करे ना कि वो भी ऐसे चक्कू से काटेगा, प्लीज मत लेके आना उसके लिए। सही में यार, नहीं तो ये मोहित अपनी सारी उंगलियों से गवा बैठेगा। देखियो एक सेकंड में सारा। गाइस मेरा पति वहाँ दूर से देख रहा है, कहीं वो आके सीख ना ले और घर जाके उसे बनाना ना पड़े। वाह भैया वाह। दिखाना एक बार इस लहसुन की शक्ल, ऐसा तो कूटने में होता है जैसा इन्होंने इसको काट दिया है ना। बिल्कुल फाइन चॉप किया है इन्होंने। और हम असिस्टेंट को तो देखना ही भूल गए, कहीं हमारे आलू जला दे। नहीं जलेगा। असिस्टेंट को पूरा कॉन्फिडेंस है कि भाई मैं ये आलू आज नहीं जलाऊंगा, क्योंकि हमें डाउट है। हाँ गाइस ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताओ। और ये वाली देखो, इन दोनों भाइयों ने मुझे लगता है हेयर स्टाइल एक जैसी करने का डिसीजन लिया था। भैया हो गए कोयल ना ये फ्राई? अभी कितना टाइम लग जाएगा इसमें कम से कम? ये ब्राउन हो जाएगी बिल्कुल पूरे ना। अच्छा ओके। अभी थोड़ी सी और कसर है, थोड़ी सी बाकी है कसर, बाकी हो जाएंगे। बाकी अभी जो चावल हैं वो हमारे स्ट्रेन होने वाले हैं, है ना भैया? अभी निकालोगे इन्हें? थोड़ा कच्चा है। ठीक है गाइस चावल थोड़े कच्चे हैं। भाई हीटर को शर्म आ रही है मोहित तेरा सरफेस एरिया देख के। ओ भाई इस लड़के ने शर्मा के हेयर स्टाइल चेंज कर लिया। अब ये पहले से भी ज्यादा भुंडा लग रहा है। गाइज ये आलू जो हैं वो गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, देखो आप लोग। और अब ये डायरेक्ट आ रहे हैं प्लेट में। और जो करारी आवाज सुनना, आप दोबारा सुनना, देखो गाइज कितने करारे आलू हैं ये। अब ये जो कढ़ाई है इसे उतार दिया जाएगा और दूसरी साइड तड़के की तैयारी शुरू। अब भगवान जाने इन आलू में कौन सा मैजिक तड़का लगने वाला है। सोनिया के सारे फैंस इस रेसिपी को जरूर तैयार, क्या कहते हैं उसे, ट्राई करेंगे, है ना मोहित? बिल्कुल ट्राई करेंगे वही। आज हम तड़के की, और गाइस जो जो ऐसे तड़का उछाल के भी दिखाना। ऐसे उछाल के दिखाना हमें पूरा तड़का। नहीं 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 भैया इस लड़की की बातों को इग्नोर करो, कहीं तड़का ही नीचे गिरे। ये हमारा स्टार्ट हो गया तड़के का प्रोसीजर। भैया ने डाला इसमें कौन सा तेल हमें नहीं पता, क्या कौन सा है भैया? रिफाइंड। ओके इसे सरसों के तेल में बनाए तो और भी स्वाद बने, है ना? हरियाणा वाले सरसों के तेल में ही बनाएंगे। हाँ रिफाइंड डल गया है। नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा भैया? जीरा पड़ेगा। जीरा, जीरा आलू है तो जीरा तो गिरेगा ही। कैसे सवाल पूछ रही है सोनिया? अरे मखा और कुछ सीक्रेट इंग्रेडिएंट डालते हो जैसे वीडियो वाले कहते हैं। इनका सीक्रेट इंग्रेडिएंट मुझे तो ये पता नहीं क्या बोलते हैं इसे। भैया इसमें आग लगेगी क्या तड़के में? करछी। आग नहीं लगेगी इसमें? अच्छा मैं तो सोची आग भी लगेगी इसमें। मारो पर ना।
गाइस घर में ऐसे स्टंट मत तैयार करना, सिर्फ रेसिपी सीखनी आप लोगों को। ज्यादा हो गया था भैया ने, थोड़ा रिफाइंड निकाल दिया। भैया हमारी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे हैं। आ गया है जी जीरा सबसे पहले। ओ अच्छा, वहां से डाल दिया लहसुन। गाइस लहसुन इसके अंदर, जीरे के साथ साथ लहसुन। अब मैं वीडियो थोड़ी दूर से बनाऊंगी। वाह आग लगने को हो रही है, भैया लगने नहीं दे रहे। मोटी यार कटा यार चम्मच दुआगी लेमन है यार, फिर क्या करेंगे अभी इसका है, मैं इसमें बनाया करूंगी इतनी बड़ी में दूर तक। गाइस देखो लहसुन भी ब्राउन होने लग गया है, बड़ी कटाई का फायदा। अच्छा अब इसमें आ गए टमाटर और दो हरी मिर्च। ओह गाइस ये स्टंट प्लीज घर पे ट्राई मत करना। अच्छा अब डलेगी इसमें हल्दी, और उसके बाद भैया ने क्या डाला, कुछ नहीं डाला, हल्दी डाल दी है। तो अभी तक इसमें गया है तेल, जीरा, लहसुन, टमाटर, दो हरी मिर्च कटी हुई और थोड़ी सी हल्दी। अच्छा बस हो गया। अब ये फ्राई किए हुए आलू। वाह तो गाइस ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है जो हमें नहीं आती थी। अब मोहित रोज सोनिया को यही बना के खिलाएगा। मोहित गायब हो गया। और क्या डलेगा, थोड़ी लाल मिर्ची, देगी मिर्च, देगी मिर्च, थोड़े स्पाइसी कर देना भैया, थोड़ा किचन किंग, थोड़ा किचन किंग, धनिया पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर। अच्छा ऊपर से डाल दिया सारा, थोड़ी सी कसूरी मेथी, थोड़ी सी लाल मिर्च। गाइस यहाँ पे लाल मिर्च और देगी मिर्च अलग अलग डालिए, क्योंकि लाल मिर्च देगी तीखापन और देगी मिर्च देगी कलर, है ना भैया? देखा ये मिक्स मसाला, ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है भैया का। ये कौन सा मसाला है? मिक्स। गाइस ये मिक्स मसाला है, मतलब जो शेफ है वो रिवील नहीं करेंगे ये कौन सा मसाला है। फिर ये एक और मसाला, चाट मसाला। बस और हमारे आलू हो गए हैं रेडी। अब गाइस ये देख लो इसकी फाइनल टच, एक सेकंड में आपको दिखा दिया जाएगा इसका लास्ट शक्ल। ये क्या है? अच्छा ये बटर है। अच्छा और बटर ना हो तो घर पे क्या डालें? घी? कुछ नहीं डालें। गाइस ये देखो कितने अच्छे से ब्लेंड हो गए हैं सारे मसाले, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। सोनिया मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। बस अब बन गया ना हमारा खाना भैया। रेडी दीपिका? बस जब गैस बंद हो जाएगी तब रेडी मानेंगे हम इसे। और भैया अगर इनको हम बॉईल करके फ्राई ना करें तो चलेगा? तो थोड़ी ज्यादा देर फ्राई करने पड़ेंगे। गाइस एंड ऑफ रेसिपी की शक्ल मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही लाजवाब है देखने में। ये देखिए एक नंबर। ठीक है थैंक यू सो मच भैया हमें ये रेसिपी सिखाने के लिए। ऐसे करो ऐसे। और हमारा असिस्टेंट आ गया है भाई। तो हमारा फाइनली खाना आ गया है, काफी देर से इंतजार कर रहे थे हम। चिम्मच है क्या? क्योंकि हम नीचे चले गए थे किचन में, तो वहाँ पे खुशबू इतनी ज्यादा आ गई थी, जब से मुंह में पानी आया हुआ है। और चोल है, चोल। ये वो है चावल है, और ये अपना जीरा राइस, जीरा आलू जीरा, जीरा राइस, सॉरी आलू जीरा, और ये हमारे, ये क्या कर दिया, छोले। अच्छा लगा मुझे तो देख के। सप्लाइज सप्लाइज गाइस, और इसमें है गाइस चून मोहित जी की। हाँ जी तो कैसा लगा टेस्ट आपको, जल्दी बताइए भाई। सोनिया ये इतना स्वाद है ना कि मेरा बोलने का भी मन नहीं कर रहा है, खाने का मन कर रहा है। इतना स्वाद है कि मेरा सिर्फ खाने का मन कर रहा है, बोलने का मन नहीं कर रहा। छोले भी टेस्टी है, है ना मोहित ने देख लो, जैसे व्लॉग भी पूरा करा हो तो खाने का चक्कर में। सोने बहुत टेस्टी बनाया उन्होंने ये भी, अभी यहीं रह ले तो है? इन दोनों को भेज देते हैं। दीपिका आज कौन सी चॉकलेट है ये? सो गाइस आज हम खाएंगे रोस्टेड आलमंड, और दुख भरी बात ये है कि इस फ्लेवर में बड़ी चॉकलेट हमें नहीं मिली। मेरे ख्याल से नहीं आती ना सोनिया, बड़ी भी आती है, इतनी बड़ी फैमिली पैक नहीं आता। फैमिली पैक नहीं, हाँ वही बड़ी है ना, ये तो छोटी है। फैमिली पैक नहीं आता गाइस इस फ्लेवर में, पर हम चारों लोग मिल बांट के दो 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 इसको खोल के देखती हूँ कितने क्यूब्स निकलते हैं, मेरे याद नहीं है काउंट। एक्चुअली हम खाने में इतना मगन हो जाते हैं कि हम गिनना भूल जाते हैं, बट आज हमें बंटवारा करना पड़ेगा। चलो गाइस हमारी लड़ाई नहीं होगी, क्योंकि 8 ही क्यूब्स है। कल मोहित ज्यादा खा गया था ना, कल मोहित ने सारे खा लिए थे, पर आज मैं सबको बांट के दूंगी। ले मोहित सबसे पहले तुझे देती हूँ।
मोहित मुझे बहुत उम्मीद भरी नजरों से देख रहा था। ओ ये सोनिया को थोड़ा बड़ा मिल गया, पर देना पड़ेगा मुझे। ये बुढ़ियों की तरह साइड वाले दांत से तोड़ती हैं। ताता की खा लेना, कल खाओ थी। खाऊंगी, अभी थोड़ा दूर है मुझसे वो। थोड़ा सा गर्म करूंगी गाइस मैं इसे, ताकि ये लिक्विड हो जाए थोड़ी सी, और फिर इसको दांतों से घिस घिस के खाएंगे, ताकि लंबी चले और स्वाद आए, और जीभ को मेहनत ना करनी पड़े। अभी नहीं हुई। कोई थी कर क्या रहे ये तो बताओ। ये जो गया बादाम वाली चॉकलेट है, इसका बादाम न्यारा काट के देखूं। या तो गोन का तू धक्का कर रहे थे बिका आरिया चम्मच इतनी ताती हुई पाओगी जितनी इसका जीभ लगा। मैं इसकी जीभ नहीं लगाऊंगी, मैं ऐसे चॉकलेट की उंगली लगा के ऐसे चाटूंगी। गाइस हम पता करना चाह रहे हैं कि ये कैडबरी वाले इतने सारे रुपए में हमें कितने बादाम दे रहे हैं। एक दो तीन मैक्सिमम एक चॉकलेट में। ऐसे इतने सारे रुपए नहीं है गाइस, मात्र 45 रुपीज में ये हमें बादाम दे रहे हैं। तो हम देखना चाह रहे हैं कि कितने बादाम आ रहे हैं मेरे दो क्यूब्स में। मोहित ने देखे काम टो लिया। इन्होंने बोला है कि इसमें 19% आलमंड्स हैं, मतलब 19% इसमें है, क्या कहते हैं आलमंड को हिंदी में? बादाम। बादाम, मैं भूल गई थी, मैं काजू बोलने वाली। और इसमें बस यही है, बाकी सब फलाना फलाना चीजें हैं। मोहित हो गई क्या मेल्ट? यार धुआं आ रही है मोहित, मुझे डर लग रहा है। जल गई मोहित, जला मत मेरी चॉकलेट। ओहो दिखाइयो मोहित ने रोस्टेड चॉकलेट बनाई है मेरे लिए, ये देखो गाइस। हमारा मोहित इतना प्यारा है कि इसने हमारे लिए बनाया। ओह वाह मोहित, बट इसका कलर चेंज हो गया है ना। नकली थी कैसी गाइस? कैडबरी नकली चॉकलेट बनाने लगी, इसका टेस्ट ही बदल गया। मैं कम पिघला के खाती हूँ तो स्वाद लगती है। उसने वो कर दिया, जला दिया गाइस। गाइस देखो ये एक छोटा सा बादाम का टुकड़ा आया है, आपको दिख नहीं रहा तो मैं भी चाट के दिखाती हूँ। तू खा ले रहने दे, हमने चाट के दिखाना दीपिका। जी यार दीपिका, हमने कौन देखना। ये पहला टुकड़ा गिनते रहना मोहित। अच्छा ये जल रहा था ना, ये एक्चुअली बादाम था।